बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटिंग वर्ल्ड। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। वी विल डिस्कस ओपनिंग द एमएस वर्ड प्रोग्राम, यानी कि एमएस वर्ड प्रोग्राम को हम किस तरह से ओपन कर सकते हैं। इन माय लास्ट लेक्चर वी हैव डिस्कस दैट हाउ कैन वी इंस्टॉल एमएस ऑफिस इन डिटेल। इफ यू वांट टू लर्न दिस टॉपिक, जस्ट क्लिक द लिंक गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स और विजिट माय चैनल। नाउ वी विल डिस्कस दैट हाउ कैन वी ओपन द एमएस वर्ड प्रोग्राम। You have to follow the steps to open MS Word program. So first of all, turn on the computer and click start button. You're supposed to turn on computer and click start button. ठीक है, इस तरह से यहाँ पर एक start button होगा, ये figure में दिखाया गया है। इसके अलावा मैं आपको भी perform करके ये दिखाऊंगी। ठीक है, तो ये start button है। When you will click on this, तो इस तरह से Microsoft Office की ये different options, जितने भी उसके parts हैं, वो आपके सामने आ जाएंगे। MS Outlook, MS OneNote, MS Access, MS Excel, ये तमाम जो है वो Microsoft Office के ही parts हैं। ठीक है, इसमें ही आपको यहाँ पर नजर आएगा Word। ठीक है, क्योंकि हम MS Word ओपन करना चाहते हैं। ये MS Word 2010 यानी 2010 का यहाँ पर वर्जन 2010 है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, आपने जब भी इसको ओपन करना है, स्टार्ट बटन पर जाएंगी और इस तरह की इस लिस्ट में से आपने सेलेक्ट कर लेना है एमएस वर्ड। इसी तरह से अगर आप कोई और यहाँ से प्रोग्राम यूज करना चाहते हो तो आप उसको क्लिक कर देंगे। लाइक इफ यू आर गोइंग टू क्रिएट अ प्रेजेंटेशन, कोई भी प्रेजेंटेशन तैयार करनी है तो पावर पॉइंट आप ये सिलेक्ट कर लेंगे। और इसके अलावा अगर आप स्प्रेडशीट से काम करना चाहते हैं तो एक्सेल यूज करेंगे और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस यूज किया जाएगा डेटाबेस को मैनेज करने। तमाम स्टेप यहाँ पर मेंशन है। ठीक है, क्लिक ऑल प्रोग्राम्स, क्लिक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस टू डिस्प्ले द सब मेन्यू, एंड द सब मेन्यू कंटेन ऑल द प्रोग्राम्स इंक्लूडेड इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। इस तरह से सब मेन्यू ये ओपन हुआ है, यानी कि जितने भी प्रोग्राम्स माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में पड़े हुए हैं ये तमाम आपको इस तरह से शो करवा दिए जाएंगे और आपके यूज के लिए जो भी आप यूज करना चाहते हो आप उसको सिलेक्ट कर लोगे। ठीक है, क्लिक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 यानी 2010 वर्जन जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का, वो आप ओपन कर लेंगे। और ये आपके पीसी में डिफरेंट भी हो सकते हैं ना, यानी कि अगर आपका पीसी जो है वो उसमें माइट बी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 हो या कोई भी इस तरह से उसका वर्जन हो तो आप उसको क्लिक कर सकते हैं। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से एक विंडो ओपन हो जाएगी। आपके सामने एक इस तरह से विंडो आएगी, तो इसमें यहाँ पर डिफरेंट पार्ट्स दिखाए गए हैं उस विंडो के। फर्स्ट ऑफ ऑल ये टाइटल बार होता है, जहाँ पर ये मेंशन किया गया होता है कि ये कौन सा डॉक्यूमेंट है। ठीक है, और रिबन्स होते हैं, वर्टिकल बार, मिनिमाइज बटन, मैक्सिमाइज और रिस्टोर बटन एंड क्लोज। ठीक है, अगर आपने क्लोज करना है, ये जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है, इन थ्री बटन्स पर क्लिक करेंगे, ये टाइटल बार पर गिवन होते हैं। सबसे ऊपर वाला जो बार होता है उसे कहा जाता है टाइटल बार। और इसी तरह से ये डिफरेंट रिबन्स होते हैं यहाँ पर, जहाँ से आप डिफरेंट एक्शंस परफॉर्म करवा सकते हैं। ये टेक्स्ट का साइज भी इनलार्ज कर सकते हैं या फिर आप यहाँ से राइटिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। ये डिफरेंट ऑप्शन यहाँ पर गिवन होते हैं। ठीक है, और ये जो डॉक्यूमेंट है जहाँ पर आप काम करते हैं इसको कहते हैं ब्लैंक डॉक्यूमेंट। और इसके अलावा यहाँ पर जूम इन एंड जूम आउट बार है। ठीक है, यहाँ पर स्टेटस बार है, यानी कि अगर आपका एक डॉक्यूमेंट है उसमें मोर देन वन पेजेस हैं या फिर फर्स्ट ही पेज पर है तो उसका जो नेम है वो यहाँ पर गिवन होगा। और उसके अलावा आपको ये इन्फॉर्मेशन भी मिलती रहेगी कि आपके कितने पेजेस यूज हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये स्टेटस बार है जो आपका स्टेटस शो करवाता रहता है कि आपका किस तरह से आप काम कर रहे हैं, कितने पेजेस आपसे हो गए, इसके बारे में तमाम इन्फॉर्मेशन यहाँ पर गिवन होती है। We have discussed all the components of word window over here. अब हम वन बाय वन इनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आपको गिवन है एक डेफिनेशन कि वर्ड विंडो क्या है और इसमें किस तरह से काम किया जाता है। द मेन कॉम्पोनेट ऑफ वर्ड विंडो कंसिस्ट ऑफ क्विक एक्सेस टूल बार। हमने देखा कि यहाँ पर क्विक एक्सेस टूल बार भी होते हैं, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल स्क्रॉल बार्स होते हैं, स्टेटस बार्स वगैरह, ये तमाम चीजें होती हैं। और ये हमने यहाँ पर देखा, यहाँ पर ये तमाम चीजें मौजूद थी। ठीक है, तो ये तमाम जो एरिया है इसे हम क्या कहते हैं, इसे कहा जाता है वर्ड विंडो। यानी कि एमएस वर्ड जब आप ओपन करते हैं तो इस तरह से एक विंडो ओपन होती है, इसे कहा जाता है वर्ड विंडो। ठीक है, अब हम देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल क्विक एक्सेस टूल बार। ये आप सबसे ऊपर देख सकते हैं यहाँ पर, ये क्विक एक्सेस टूल बार है। 4 to 5 आइकन यहाँ पर मौजूद हैं और हर आइकन का एक डिफरेंट जो है वो और हर आइकन डिफरेंट काम के लिए यूज किया जाता है। जैसे कि ये वर्ड, यहाँ पर अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट सेव हो जाएगा। और उसके अलावा ये रीडू, अंडू और इस तरह के तमाम ऑप्शंस मौजूद है। क्विक एक्सेस क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसको आप इजिली फौरन आप अपने किसी भी डॉक्यूमेंट को रीडू कर सकते हो, इसके लिए आपको किसी मजीद ऑप्शन में जाने की जरूरत नहीं है। तो अब हम क्विक एक्सेस टूल बार को एक दफा रीड कर लेते हैं। क्विक एक्सेस टूल बार इज लोकेटेड एट द टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑफ विंडो। ठीक है, यानी कि आपके टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर मौजूद होते हैं। इट प्रोवाइड इजी एक्सेस टू कॉमनली यूज सेव, अनडू, रीडू कमांड। इफ द यूजर क्लिक द डाउन एरो एट द राइट साइड, ये जो इस तरह से ये जो डाउन एरो बना हुआ है इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो लिस्ट ऑफ कमांड्स आ जाएंगे। ठीक है, जो कि आपने क्विकली ऐड भी कर सकते हैं फर्दर, या फिर आप कोई रिमूव करना चाहते हैं क्विक टूल बार में तो आप यहाँ से कर सकते हैं।
अब नेक्स्ट इज रिबन. रिबन इज लोकेटेड बिलो द टाइटल बार. टाइटल बार कौन सा होता है? जो सबसे ऊपर होता है, जिसमें ये लेफ्ट साइड पर क्विक एक्सेस टूल बार होते हैं. इसी तरह से टाइटल बार में जो विंडो आप यूज कर रहे हैं, जो प्रोग्राम यूज कर रहे हैं या जो फाइल ओपन की है, उसका नेम आ रहा होता है. ठीक है, टाइटल बार जो फर्स्ट ऊपर होता है बार, उसको कहते हैं टाइटल बार. इसके लेफ्ट में क्विक एक्सेस टूल बार होता है और इसके राइट साइड पे 3 बटन होते हैं, मिनिमाइज, रिस्टोर और क्लोज का बटन होता है. ठीक है, तो रिबन कंसिस्ट, उससे जो बिल्कुल नीचे होता है बार, उसी कहा जाता है रिबन. रिबन कंसिस्ट ऑफ टैब्स, ग्रुप्स एंड कमांड्स. ठीक है, इसमें डिफरेंट टैब्स होते हैं, ग्रुप्स होते हैं, इनके अगर आपने अलाइन करना है, टेक्स्ट डिफरेंट ऑप्शंस गिवन होते हैं, वो तमाम रिबन पर मौजूद होती है. प्रोवाइड एक्सेस टू कमांड्स दैट आर परफॉर्म्ड व्हाइल वर्किंग ऑन डॉक्यूमेंट. जैसे ही आप किसी भी डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर रहे होते हैं, उस पर काम कर रहे होते हैं, तो ये आपके लिए बहुत आसान हो जाता है कि आप इन रिबन्स में से कोई भी अपनी जो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कोई भी कमांड यहाँ से सिलेक्ट कर लें. ठीक है, देयर आर 9 टाइप्स ऑफ टैब्स इन द रिबन. ठीक है, यहाँ पर डिफरेंट टैब्स होते हैं. कौन कौन से? फाइल, होम, इंसर्ट, पेज, लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, एड्स इन, ये तमाम चीज़ें यहाँ पर मौजूद होती हैं. ठीक है, ये देख सकते हैं आप, जैसे कि यहाँ पर शो करवाया गया है कि फाइल, मेन्यू, ये तमाम चीज़ें यहाँ मौजूद होती हैं. और जैसे ही आप किसी एक ऑप्शन को क्लिक करते हैं, किसी भी एक उस पर सिलेक्ट करते हैं, तो उसकी मजीद एक्सेप्ट मेन्यूज ओपन हो जाते हैं, जहाँ से आप डिफरेंट ऑप्शन फर्दर सिलेक्ट कर सकते हैं. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये डिफरेंट टैब्स हैं, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, जो मैंने आपको अभी भी बताया. ठीक है, पेज लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग, रिव्यू, ये तमाम ये टैब्स कहलाते हैं. एंड ग्रुप्स क्या होते हैं, यानी कि ये क्लिपबोर्ड का ग्रुप है, ये एक और ग्रुप है जिसमें आपकी राइटिंग से रिलेटेड चीज़ें हैं, फॉन्ट है, और यहाँ पर ये पैराग्राफ से रिलेटेड चीज़ें हैं, यानी कि अगर आपने पैराग्राफ फॉर्मेट करना है या कोई भी इस तरह से ग्रुप आप यूज़ करना चाहते हो, अलाइन करना है, या फिर ये बुलेट्स यूज़ करना है, या फिर ये बुलेट्स चूज करना चाहते हो नंबरिंग में, या आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना चाहते हैं, तो आप इस ऑप्शन को कर सकते हैं. ठीक है, तो ये डिफरेंट ग्रुप्स हैं और ये डिफरेंट टैब्स हैं. सही है, और नेक्स्ट आ जाता है जनाब हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल स्क्रॉल बार्स. इस तरह से जब भी आप एमएस वर्ड पे काम करते हैं, तो आपके पास लेफ्ट साइड पर और बॉटम में इस तरह से एक बार नजर आता है, जिसको आप ऊपर और नीचे जब मूव करते हैं, तो आपका डॉक्यूमेंट भी उसके साथ साथ मूव करता है. ठीक है, तो ये वर्टिकल स्क्रॉल बार्स होते हैं जो डॉक्यूमेंट को ऊपर और नीचे करने के लिए होते हैं, और इस तरह से जो नीचे होता है हॉरिजॉन्टल बार, उसकी मदद से भी आप इसी तरह से अपने डॉक्यूमेंट को मूव कर सकते हैं. अब हम इनको डिस्कस करते हैं. हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल स्क्रॉल बार्स, दे आर लोकेटेड एट द राइट एज ऑफ द डॉक्यूमेंट विंडो. ठीक है, इट इज यूज्ड टू स्क्रॉल अप और द डाउन. वर्टिकल स्क्रॉल बार कहाँ पर होता है? वर्टिकल स्क्रॉल बार बिल्कुल राइट साइड पे होता है, यानी कि राइट एज पर होता है डॉक्यूमेंट की. जैसे मैंने आपको दिखाया, इट इज यूज स्क्रॉल डाउन और अप द डॉक्यूमेंट. इसकी मदद से आपका डॉक्यूमेंट जो है वो स्क्रॉल डाउन और अप हो सकता है. इसकी मदद से आपका जो डॉक्यूमेंट है वो स्क्रॉल डाउन या अप हो सकता है. और जो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार है, इट अपीयर्स ऑटोमेटिकली एट द बॉटम ऑफ द डॉक्यूमेंट. ठीक है, और इसकी मदद से अगर आपका डॉक्यूमेंट बहुत ज़्यादा वाइड है, तो एक स्क्रीन पर फिट नहीं आ रहा, तो आप क्या करोगे, आप उसको मूव करके अपना पूरा जो डॉक्यूमेंट है उसको ईजिली देख सकते हो. स्टेटस बार इज लोकेटेड एट द बॉटम ऑफ द डॉक्यूमेंट विंडो अबव द विंडो टास्क बार. इट प्रेजेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द डॉक्यूमेंट सच एज करंट पेज, टोटल नंबर ऑफ पेजेस इन द डॉक्यूमेंट, नंबर ऑफ वर्ड्स इन द डॉक्यूमेंट एक्सेट्रा. एज आई टोल्ड यू, अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट जो है वो मोर देन वन पेज है, तो टोटल नंबर ऑफ पेजेस भी यहीं पर आ रहे होंगे, या फिर नंबर ऑफ वर्ड्स के एक डॉक्यूमेंट में कितने हैं, ये भी यहीं पर इन्फॉर्मेशन गिवन होगी. ठीक है, तो स्टेटस दिखा रहा होता है वो आपके डॉक्यूमेंट का स्टेटस शो कर पा रहा होता है. इट ऑल्सो प्रोवाइड कंट्रोल फॉर व्यूइंग द डॉक्यूमेंट इन डिफरेंट लेआउट्स. राइट एज ऑफ स्टेटस बार प्रेजेंट जूम इन एंड जूम आउट बार. ये जो स्टेटस बार है, इसके राइट साइड पे आपको जूम इन जूम आउट का ऑप्शन नजर आता है, और इसके लेफ्ट साइड पे जिस तरह मैंने आपको बताया कि डॉक्यूमेंट के कितने पेजेस हैं आपके डॉक्यूमेंट के, या फिर नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हैं, ये तमाम चीज़ें वहाँ पर गिवन होती हैं. इन और जूम आउट को देख लेते हैं कि ये किस तरह से काम करता है. जूम इन इज यूज टू गेट क्लोजअप व्यू ऑफ डॉक्यूमेंट, यानी कि जब आप अपने डॉक्यूमेंट का क्लोजअप व्यू देखना चाहते हैं, तो आप जूम इन करते हो, और जूम आउट आप करते हो, तो आपका जो डॉक्यूमेंट है उसका साइज जो है वो रिड्यूस हो जाता है, और आप उसको चेक कर सकते हैं. स्टेटस बार यहाँ पर देख सकते हैं. ठीक है, इसके लेफ्ट साइड पे ये स्टेटस बार है, बिल्कुल बॉटम पे जो बार है, दैट इज कॉल्ड स्टेटस बार. और स्टेटस बार जो है, इसके लेफ्ट साइड पे ये स्टेटस गिवन है, यानी कि आपका डॉक्यूमेंट में कितने वर्ड्स हैं, उसमें कितने पेजेस हैं. ठीक है, ये तमाम इन्फॉर्मेशन. एंड ऑन द राइट साइड ये है जूम इन जूम आउट, और इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं. आई होप आपने ये तमाम कॉम्पोनेंट्स अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिए होंगे. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अल्लाह हाफ़िज़.